सागवान पेड़ों की कटाई करने वाले 5 तस्करियों को नासिक जिला के सटाणा तालुका में बंदी बनाया गया। बता दें कि सटाणा तालुका के तातानी वन क्षेत्र में आने वाले डावखल जंगल में सागवान पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई करके ले जाने वाले 5 तस्करियों को वन अधिकारियों ने बंदी बनाया है। इस कार्यवाही में लगभग 40,000 कीमती का एवज जमा किया गया। बता दें कि तालुका के ततानी वन क्षेत्र क्रमांक 229 में डावखल जंगल के परिसर में पेड़ों की कटाई करके ले जाने वाले तस्करों की जानकारी तालुका वन परिक्षेत्र अधिकारी RS साटे इनको मिली। उस जानकारी के मुताबिक रविवार रात 10 बजे के आसपास में छानबीन के दौरान संजय हीरामन देशमुख थे आदमी गैर कानून तरीके से साग वृक्ष की कटाई करते दिखाई दिए। इसकी जानकारी के अनुसार 4 साथी और थे जिसमें कैलाश साबले, राम जोपले गांव महादर के रहने वाले और गिरीश चौरे अहवा राज्य गुजरात के रहने वाले वाहन वगैरह आणि गाड्या पण त्यांच्या ह्या गुजरात पाशिंगच्या आहेत मग त्या मग त्यानुसार आम्ही ना आमचा सर्व स्टाफ मिळून आम्ही गस्त घालायला सुरुवात केली। रात्री बेरात्री गस्त घालून त्या दिवशी रात्री 9:30 सुमारास आम्ही जेव्हा गस्त घालत होतो तर त्या ठिकाणी आम्हाला एक आरोपी आढळून आला। तर आरोपी आढळून आला तर त्या ठिकाणी त्यांनी एक मोठ्या सागवान वृक्षाची कत्तल केली होती। तर आजूबाजूला बघितलं तर बाकीचे आरोपी लपले होते पण आम्हाला वाटलं एकच आहे पण नंतर शोध घेतला तिथं आजूबाजूला तर धागे दोरे बाकी दुसरे राज्यात सुद्धा आहेत असा आमचा अंदाज आहे। आम्ही तिकडून तपास चालू आहे आणि आम्ही निश्चितच त्याच्यामध्ये यश मिळू असं आम्हाला वाटतंय। तरी किती हजाराचं नुकसान केलेलं असेल यांनी? जवळ 20-25 हजाराचं नुकसान। न्यूज इंडिया N9 से सटाणा तालुका से नारायण भोये की रिपोर्ट।